बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 समांतर श्रेणियां भाग 12 में आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न संख्या 1 से 2 तक। इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों हमें जिस सूत्र की आवश्यकता होगी वह है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल। क्या है सूत्र, हमने ऑलरेडी सीख लिया है कैसे अप्लाई करते हैं, इसकी भी चर्चा हमने कर ली है और इस पर कैसे कैसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं उदाहरणों के माध्यम से बच्चों मैंने आपको बता दिया था। उम्मीद करता हूं आपने उन सभी उदाहरणों की प्रैक्टिस कर ली है और प्रश्नावली के सवालों को हल करने का प्रयास भी आपने एक बार खुद से कर लिया है। क्या था सूत्र SN का, SN के लिए हमारे पास दो सूत्र थे बच्चों, एक तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और अगर हमें AP का अंतिम पद L भी ज्ञात है तो हम SN के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, SN बराबर n/2 a + l। इन दोनों सूत्रों के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं किसी AP के प्रथम n पदों का योगफल। आइए प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 में हमसे कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणियां दी गई है, उनके कुछ पदों का सम्मुख दिए गए पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 में जो समांतर श्रेणी हमें दी गई है वो है 2, 7, 12 इत्यादि, और इसके प्रथम 10 पदों तक का योग बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए आप हल में लिख लीजिए वो AP, वो समांतर श्रेणी जो आपको दी गई है, AP लिख लीजिए 2, 7, 12 इत्यादि, और फिर इसके लिए बता दीजिए प्रथम पद और सार्वंतर। लिखेंगे बच्चों यहाँ प्रथम पद A का मान तो है 2 तथा सार्व अंतर D का मान है 7-2, दूसरे पद में से पहला पद घटा लीजिए मिल जाएगा आपको सार्व अंतर 5। हमें ज्ञात करना है इसके प्रथम 10 पदों तक का योग, तो n पदों तक का योगफल का सूत्र लिखेंगे बच्चों, क्योंकि AP के प्रथम n पदों का योग SN बराबर होता है, यहाँ अंतिम पद तो हमें पता नहीं है तो ये वाला सूत्र काम में लेंगे n/2 2a + n-1 × d। अब भर देंगे n, a और d के मान। n का मतलब कितने पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, वो 10 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो n की जगह आ जाएगा 10, a की जगह आ जाएगा 2 और d की जगह आ जाएगा 5। लिख दीजिए बच्चों n, a और d के मान, तो यहाँ से प्रथम 10 पदों तक का योगफल S10 बराबर हो जाएगा 10/2 2a की जगह 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 अपनी जगह और d की जगह कितना बच्चों 5, a की जगह 2 और d की जगह 5, n की जगह 10 क्योंकि 10 पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए S10 बराबर हो जाएगा 5×4 प्लस कितना 9×5 कितना हो जाएगा 10-1 9 9×5 कितना हो जाएगा बच्चों 45, और ये हो जाएगा 5×5 कितना बच्चों 49, गुणा कर लीजिए 5×45 हासिल 4, 5×20 और 4×24 प्रथम 10 पदों तक का योगफल हो जाएगा 245। जो AP दी गई थी 2, 7, 12 उसके प्रथम 10 पदों तक का योगफल कितना हो जाएगा बच्चों 245। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या 1 का भाग 2, और इस भाग 2 में देखिए जो AP दी गई है उसे लिख लीजिए, AP जो दी गई है वो है -37, -33, -29 इत्यादि, और हमें ज्ञात करना है इसके प्रथम 12 पदों तक का योगफल। AP की सहायता से हम पहले बताएंगे प्रथम पद और सार्वंतर के मान, तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद
प्रथम पद ए तो है -37 तथा सार्व अंतर डी हो जाएगा बच्चों, दूसरा पद -33 माइनस पहला पद -37 ये हो जाएगा -33 प्लस का 37 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस का 4, डी का मान आ जाएगा प्लस का 4। हमें ज्ञात करना है प्रथम 12 पदों तक का योगफल, तो पहले लिखेंगे सूत्र एन पदों तक के योगफल के लिए, लिखेंगे बच्चों एपी के प्रथम एन पदों का योग, किसी भी एपी के प्रथम एन पदों का योग एस एन बराबर होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन ए और डी का मान रखकर हम ज्ञात कर लेंगे इस एपी के पहले 12 पदों तक का योगफल, तो एन का मान हो जाएगा 12 पदों तक का योगफल ज्ञात करने के लिए कितना 12। यहाँ से एस 12 प्रथम 12 पदों तक का योगफल हो जाएगा 12/2 दो ए, ए की जगह कितना है बच्चों -37 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन 12 माइनस एक इंटू डी, डी कितना है बच्चों डी का मान है 4, डी का मान है 4। ए एन और डी के मान भर दिए तो हमारे पास आ गया 6 गुणा, देखिए 12 को 2 से विभाजित करेंगे 6 आ जाएगा, 2 को -37 से गुणा कीजिए 2 × 7 = 14, 2 × 3 = 6 और 1 = 7 -74 आ जाएगा, प्लस 11 × 4 कितना 44, ये हो जाएगा आपके पास 6 गुणा माइनस में 30 और 6 को जब -30 से गुणा करोगे तो आ जाएगा -180। प्रथम 12 पदों का योगफल दी गई एपी के प्रथम 12 पदों का योगफल आ जाएगा कितना बच्चों -180। कैलकुलेशन एरर नहीं करनी है, एक एक चीज़ को एक एक गुणनफल योगफल भागफल जो भी आप करें उसको ध्यान से बच्चों दो दो बार चेक करके कीजिएगा, कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए भाग 3 और इसमें लिख लीजिए जो एपी हमें दी गई है उसे, एपी दी गई है 0.6 1.7 1.7 2.8 8 इत्यादि, जो एपी दी गई है वो है 0.6 1.7 2.8 इत्यादि, और इसके प्रथम 100 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, 100 पदों तक का योगफल अर्थात हमें ज्ञात करना है S100 का मान हमें बताना है बच्चों। यहाँ बता दीजिए जो हम बता सकते हैं, सबसे पहले प्रथम पद और सार्वंतर, तो लिखिए यहाँ प्रथम पद A का मान तो है 0.6 तथा सार्व अंतर डी वो हो जाएगा 1.7 -0.6 अर्थात 1.1, सार्व अंतर डी का मान आ जाएगा 1.1। हमें ज्ञात करना है प्रथम 100 पदों तक का योगफल, तो पहले सूत्र लिख लेंगे एपी के एन पदों तक का योगफल का क्या है बच्चों बताइए, क्योंकि एपी के प्रथम एन पदों का योग क्या होता है एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है, इसलिए प्रथम 100 पदों तक का योगफल क्या हो जाएगा S100, इसलिए S100 बराबर हो जाएगा एन की जगह 100/2 टू ए, ए का मान कितना है बच्चों 0.6 प्लस एन की जगह 100 माइनस वन
इंटू डी, डी की जगह कितना लिखेंगे 1.1, कितना 1.1, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 100 अपॉन 2 कितना हो गया 50, 2 से गुणा करेंगे 0.6 को तो यह आ जाएगा 1.2 प्लस 99 गुणा 1.1, यहाँ से हमें मिल जाएगा 50 गुणा 1.2 प्लस 99 को 1 से गुणा करेंगे 99, हासिल आ जाएगी 9, वापस से 99 को गुणा करेंगे इस 1 से 99 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों 99 और 9 हो जाएगा 108, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 108.9, इन दोनों को जोड़ लीजिए ये हो जाएगा 50 गुणा 2 और 9 11, हासिल 1, हासिल 1 बच्चों 1 और 1 2, 2 और 8 10, हासिल 1, ये हो जाएगा 110.1, जिसको हम 50 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5,505। एपी के प्रथम 100 पदों का योगफल आ जाएगा 5,505, जो एपी हमें दी गई थी 0.6, 1.7, 2.8, इसके प्रथम 100 पदों का योगफल कितना आएगा 5,505। इस तरीके से हल कर लेंगे बच्चों, घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है किसी भी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल ज्ञात करना। अब देखिए आगे भाग 4, इसमें जो एपी दी गई है उसके प्रथम 11 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। कितने पदों के योग ज्ञात करना है? 11 पदों का योग ज्ञात करना है। हल में हम लिख लेंगे जो एपी दी गई है उसे, देखिए एपी हमें दी गई है 1/15, 1/12, 1/10 इत्यादि, और इसके प्रथम 11 पदों का योगफल तो हमें ज्ञात करना ही है। यहाँ बता दीजिए मुझे प्रथम पद ए का मान 1/15, सार्व अंतर डी का मान बताइए बच्चों, दूसरा पद हो गया 1/12, पहला पद हो गया 1/15, घटाएंगे पहले लेंगे एलसीएम, 12 और 15 का एलसीएम ले से आ जाएगा 60, 12 पंजे 60 और 15 चौक 60, ये आ जाएगा डी का मान, यहाँ से डी का मान 1/60, डी का मान कितना आ जाएगा 1/60, देखिए 12 और 15 का लेसे लेंगे कितना आ जाएगा 60, 12 का भाग लगाइए 60 में, 12 पंजे 60, 1 को गुणा कीजिए 5 से, 5 आ जाएगा, ऐसे ही 15 का भाग लगाइए लेसे में, 4 बार जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 5 में से 4 गया 1, 1/60 किसका मान आ गया डी का, और प्रथम पद ए का मान कितना है 1/15, हमें ज्ञात करना है प्रथम 11 पदों तक का योगफल, तो लिखेंगे क्योंकि समांतर श्रेणी या एपी के प्रथम एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग एस एन बराबर होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसलिए प्रथम 11 पदों का योगफल हो जाएगा एस 11 बराबर 11/2, 2a a का मान 1/15 प्लस 11 माइनस 1 गुणा डी, डी का मान 1/60, यहाँ से हमें मिल जाएगा 11/2 गुणा 2/15 प्लस, देखिए 11 में से गया 10, 10 को 60 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 1/6, फिर से ले लीजिए 15 और 6 का एलसीएम और जोड़ लीजिए पहले तो ये हो जाएगा 11/2, एलसीएम आ जाएगा 30, 15 दूनी 30, दो बार भाग गया, 2 को 2 से गुणा करके लिख दीजिए 4, और यहाँ पर 6 पंजे 30, 6 5 बार 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 11 × 9/60, 11 × 9/60 अर्थात 99/60, 3 से काट दीजिए, 3 × 9, 3 × 9 और 20 × 60, तो इसके प्रथम 11 पदों का योगफल एस 11 बच्चों हमें मिल जाएगा 33/20, कितना 33/20। इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या 1 के भाग 4 को, और फिर देखिए बच्चों आगे
प्रश्न संख्या दो, नीचे दिए हुए योग फलों को ज्ञात कीजिए। कुछ योग फल हमें दिए गए हैं, उनको ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न संख्या दो के भाग एक में जो योग फल दिया गया है उसे लिखिए। योग फल हमारे पास है 7 + 10 = 1/2 + 14 + 84 तक। यहाँ प्रथम पद बता दीजिए बच्चों, ए का मान कितना है? ए का मान है 7। सार्व अंतर डी का मान कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे। 10 = 1/2 में से घटा लीजिए 7, आपको मिल जाएगा ये कितना, 10 × 20 = 21/2 - 7/1। एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 21 - 14। 21 में से 14 घटाओगे कितना आ जाएगा, 7/2। 21 में से 14 घटाओगे 7 और बटे में 2 चल ही रहा है, तो डी का मान यहाँ से आ जाएगा 7/2। डी का मान हमारे पास है, ए का मान हमारे पास है कितना, 7। तथा अंतिम पद भी हमें पता है कितना, 84। लिखेंगे डी का मान ये आया, तथा अंतिम पद L बराबर आपके पास है 84। हमें ज्ञात करना है ये पूरा योगफल। तो योगफल ज्ञात करने के बच्चों हमारे पास क्या है, किसी भी एपी के योगफल ज्ञात करने के लिए दो सूत्र हैं, n/2 2a + n - 1 × d, और दूसरा जो सूत्र है वो है Sn = n/2। अगर अंतिम पद ज्ञात हो तो a + l n/2 × a + l। दोनों सूत्रों को ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको एपी के पदों का योगफल ज्ञात करना है तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। अर्थात n का मान हमारे लिए क्या है बच्चों, आवश्यक है। n अगर हमें पता नहीं है, पदों की संख्या हमें पता नहीं है एपी के, तो उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, योगफल को हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहला काम आपको करना है, पहले इस एपी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, मान लेंगे बच्चों, माना इस एपी में कुल n पद हैं। कुल क्या है, n पद हैं। अतः है, इसका जो nवां पद होगा वो ही आखिरी पद होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं a + n - 1 × d, आखिरी पद 84 होगा। a का मान है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 7/2 बराबर कितना बच्चों, 84। ये प्लस के 7 को उधर पक्षांतरित कर दीजिए, n - 1 × 7/2 आ जाएगा। देखिए 84 में से 7 घटाएंगे 77 आ जाएगा, और ये 7/2 को भी आप पक्षांतरित करोगे तो n - 1 का मान आ जाएगा 77 × 2/7। n - 1 आ जाएगा, देखिए ये कट जाएगा 11 बार और 11 × 22, और यहाँ से n का मान हमें मिल जाएगा 23। अर्थात एपी में कितने पद हैं, 23, और हमें इन 23 पदों का ही तो योग ज्ञात करना है। अब देखिए ये वाला सूत्र काम में ले लीजिए, अंतिम पद आपके पास है इसलिए ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें होगी नहीं, आसान पड़ेगा। तो लिखेंगे, क्योंकि अब क्योंकि Sn बराबर होता है n/2 a + l, इसलिए इन 23 पदों का योगफल S 23 हो जाएगा 23/2। a का मान 7, l का मान कितना है बच्चों, l का मान है 84, और ये हो जाएगा 23/2 × 84 जोड़िए कितना हो जाएगा, 7 में जोड़िए तो हो जाएगा 91। गुणा कर लीजिए 23 और 91 को, तो देखिए 23 × 91 करेंगे तो आ जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27,
दो एकम दो, दो नाम अट्ठारह, तीन नौ, आठ और दो दस, हासिल एक, 2093 ये आ जाएगा। 2093 बटे दो, बटे दो भाग लगा देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों एस 23 बराबर दो एकम दो जीरो, दो चौक आठ, दो चौक आठ 13 हो गया, दो छिके 12 और ये 5, 1046.5 कितना आ जाएगा 1046.5। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या दो का भाग दो। यहाँ जो हमें योगफल याद करना है बच्चों भाग दो में वो है 34 प्लस 32 प्लस 30 और कहाँ तक 10 तक। तो लिख लीजिए इसको पहले, जो योगफल हमें याद करना है वो है 34 प्लस 32 प्लस 30 और ऐसे चलते जाइए, आखिरी पद है 10, ठीक है। यहाँ मुझे बता दीजिए प्रथम पद, प्रथम पद ए 34, सार्व अंतर डी का मान हो जाएगा 32 माइनस 34 अर्थात माइनस में 2, अंतिम पद एल, एल हो जाएगा 10। हमें योगफल ज्ञात करना है तो योगफल ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि हमें ज्ञात हो पदों की संख्या। तो मानेंगे, मानेंगे बच्चों, माना कि पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या, यहाँ पदों की संख्या बराबर है n, इसलिए जो इसका nवां पद होगा वो आखिरी पद होगा, a प्लस एन माइनस वन इन टू डी होगा वही आखिरी पद 10 होगा। a का मान है 34 प्लस एन हमें पता नहीं है तो एन माइनस वन की जगह एन माइनस वन, डी कितना है माइनस दो बराबर 10। देखिए ये हो जाएगा एन माइनस वन गुणा माइनस दो बराबर माइनस में 24। 10 में से 34 घटाएंगे माइनस का 24 आएगा, ये माइनस का दो का उधर ले जाके भाग लगा दीजिए, एन माइनस एक बराबर आ जाएगा 12 और यहाँ से n का मान आ जाएगा 13। अतः इस एपी में, इस योगफल में कितने पद हैं, कुल 13 पद हैं, इनका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्योंकि Sn बराबर होता है n बाई टू, अंतिम पद अगर आपको पता हो तो ये सूत्र लगाइए a प्लस एल वाला, यहाँ से s 13, 13 पदों का योगफल, 13 पदों का योगफल हो जाएगा 13 बटे दो, a, a का मान बताइए बच्चों कितना है 34 और अंतिम पद, अंतिम पद l का मान हमारे पास है 10, ये हो जाएगा 13 बटे दो गुणा 44, दो से काटेंगे आ जाएगा 22, 22 को 13 से गुणा कीजिए 13 दूनी 26 हासिल दो, 13 दूनी 26 और दो 28, एस 13 जो अभिष्ट योगफल है वो कितना आ जाएगा 286। हल कर लेंगे बच्चों इस तरीके से, पहले एन का मान ज्ञात करना है और फिर आप ज्ञात कर सकते हैं योगफल। देखिए अब प्रश्न संख्या दो का भाग तीन, इसमें जो हमें योगफल ज्ञात करना है उसे देखिए, योगफल ज्ञात करना है माइनस पाँच प्लस माइनस आठ प्लस माइनस 11 और ऐसे करते हुए कहाँ तक, अंतिम पद है माइनस का 230। योगफल ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिख लीजिए जो भी देख के बता सकते हैं, यहाँ से प्रथम पद ए तो है माइनस पाँच, अंतिम पद L है माइनस का 230, सार्व अंतर D भी ज्ञात कर लीजिए बच्चों, माइनस आठ में से घटा लीजिए माइनस का 5 तो आपको मिल जाएगा, यहाँ से D मिल जाएगा माइनस आठ प्लस 5 और यहाँ से D का मान आ जाएगा माइनस 3, D का मान कितना आ जाएगा माइनस 3। योगफल ज्ञात करना है तो पदों की संख्या पता होनी चाहिए, लिखेंगे माना कि, माना कि पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या मान लेंगे कितनी है n, इसलिए इसका जो n वा पद होगा वही आखिरी पद होगा,
एनवे पद का सूत्र क्या है बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और आखिरी पद हमें दिया गया है माइनस में 230। ए का मान कितना है, ए का मान है माइनस पाँच, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है बच्चों, माइनस का 3 बराबर में माइनस का 230। यहाँ से जब हम हल करेंगे, माइनस पाँच को उधर ले जाके जोड़ोगे तो एन, यहाँ से एन माइनस वन गुणा माइनस 3 बराबर आपको मिल जाएगा। देखिए ये माइनस का 5 उधर जाके जुड़ेगा तो माइनस का 225 हो जाएगा, माइनस का 225। ये माइनस के 3 से उधर विभाजित कर दीजिए, एन माइनस वन का मान आ जाएगा 3 × 7 = 21, माइनस माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, और एन का मान यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारे पास 76। अर्थात इस योगफल में कुल 76 पद हैं जिनका हमें योगफल ज्ञात करना है। अब हम ज्ञात कर लेंगे योगफल Sn के सूत्र के माध्यम से, लिखेंगे क्योंकि Sn बराबर होता है n बाय 2 ए प्लस एल। आप वो दूसरा सूत्र भी लगा सकते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर जब आपको अंतिम पद L ज्ञात ही है तो आसान बन जाएगा कैलकुलेशन, इस सूत्र का प्रयोग कर लेंगे तो बच्चों। इसलिए देखिए अभिष्ट योगफल यानी कि अभिष्ट जो 76 पद दिए गए हैं, 76 जो पद हैं उनका योगफल हो जाएगा 76/2 गुणा ए, ए का मतलब है माइनस 5, प्लस एल, एल का मतलब है माइनस का 230। ए और एल का मान आपको पता है, ए का मान माइनस 5, एल का मान माइनस 230। ये हो जाएगा 76 को 2 से विभाजित कीजिए, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16 गुणा गुणा बच्चों कितना, माइनस में 235। 38 को माइनस के 235 से गुणा कर लीजिए, आपको मिल जाएगा माइनस में 8930। गुणा कर लीजिएगा बच्चों, यही आपको मिलने वाला है प्रथम 76 पदों का योगफल। जो ये योगफल दिया गया था, ये एपी, इसके 76 पदों का योगफल कितना आएगा, माइनस में 8930। इस तरीके से हल करेंगे हम प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न संख्या 1 और 2 को। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने मेरे साथ हल किया है, नोट भी किया है, और अब आप पुनः अभ्यास भी करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।